और चिराग जी भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता है, स्वाभाविक है जनता से जुड़े हैं। तेजस्वी ने कहा है कि आने वाले समय में चिराग को लेकर स्टैंड क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार से सुनने में आ रहा था कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले हैं, वो एनडीए से आपको बता दे चले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबरें आपको बता दें लगातार सुर्खियों में आ रही थी। लेकिन सम्राट चौधरी ने इस बात पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में इंटरनल कमेटी की बैठक हो रही है, उसमें साफ स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग पासवान आखिर एनडीए में रहेंगे, एनडीए छोड़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी आप सुने। 15 साल सत्ता चलाने के बाद लालू जी ने कभी गंभीर बात नहीं किया और आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर अपराधी माफियाओं को संदेश दिया है कि उनको उल्टा लटकाने का काम किया जाए और अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता, और अपराधी हो या माफिया हो उनको 24 घंटे में रिजल्ट मिल भी गया है। नहीं, सबसे कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, जब सभी से वार्ता कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। आज आप लोग दिल्ली भी जा रहे हैं, लगता है क्या सब कुछ सेट हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी? नहीं नहीं, ये हमारी पार्टी के इंटरनल मैटर की बैठक है, हमारे इलेक्शन कमेटी जो भारत में भारतीय जनता पार्टी का है उस पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी रहेंगे, उस पर वार्ता होगी। पार्टी के अंदर हमको जो सीटें तय करनी है, हम कैसे लड़ेंगे, सारे चीजों पे चर्चा होगी। चिराग कह रहे हैं कि उनसे किन्हीं का गठबंधन नहीं है, जनता से गठबंधन है और उन्हें जनता का सबसे गठबंधन है। मोदी जी जनता के लिए ही बने हैं और चिराग जी भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है जनता से जुड़े हैं। तेजस्वी ने कहा है कि आने वाले समय में चिराग को लेकर स्टैंड क्लियर हो जाएगा। अब तेजस्वी क्या कहते हैं वो तेजस्वी जाने। तेजस्वी जी पहले ये तो पता कराए कि वो गठबंधन में उनके साथ रहना कौन कौन चाहता है, कौन चाहेगा कि उनके साथ जाके चुनाव। और उपलब्धि है सरकार की, आयुष्मान कार्ड बनाने में कितना आंकड़ा पहुंच चुका है, क्योंकि काफी तेजी से। देखिए, लगभग 1 करोड़ से अधिक कार्ड पिछले 7-8 दिनों में हम लोगों ने बिहार में बनाया है। ये अपने आप में कीर्तिमान है कि 5 किलो अनाज हम गरीबों को देते भी हैं और 5 लाख तक का इलाज करने की भी व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। 1 करोड़ 21 लाख परिवार को भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 करोड़ 21 लाख परिवार को दिया जा रहा है आयुष्मान भारत के तहत, और बिहार की सरकार। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।